गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद भी कांग्रेस का रुख नरम होने के बजाय और गर्म हो गया। कांग्रेस ने अब पीएम मोदी को पनौती आजम बता दिया है। हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी कांग्रेस रुकी नहीं। झुकने की बात तो दूर, उसने पीएम मोदी को लेकर पनौती वाला पोस्टर जारी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर में 60 के दशक की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मुगले आजम की पैरोडी है और इसमें पर्दे के पीछे से झांकते पीएम मोदी को दिखाया गया है। तो साथ ही बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है पनौती आजम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस ने लिखा, पनौती तुम कब जाओगे। इस पोस्टर में कांग्रेस ने पीएम मोदी को चंद्रयान 2 की असफलता, कोरोना और फाइनल में हार के लिए जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस के इस रुख ने बीजेपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम के कथित अपमान पर घमासान और तेज हो गया। वो जवाब दें, मतलब क्या मतलब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण में है उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है, ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। That actually you can see the visuals when in the public meeting, whenever he speaks, while he speaking that point of time, the cricket issue has came out. The public told all these things. That point of time, that is a public comment come. देखिए नोटिस देना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं, जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या भूल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस जवाब दिया जाए। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर राजस्थान की एक और चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जनता के सुर में सुर मिलाते हुए पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया था, जिसको लेकर बीजेपी आग बबूला हो उठी थी। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की इस टिप्पणी की शिकायत चुनाव आयोग से की थी और आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया था। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपना जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने से पहले पूरी कांग्रेस पार्टी ही राहुल को सही ठहराने में जुट गई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया नोटिस अत्यंत पक्षतापूर्ण और भेदभाव वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है, लेकिन आयोग ने उनको नोटिस नहीं थमाया। राहुल गांधी के इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का भी साथ मिलने लगा। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी को कसूरवार ठहराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। The election commission for years now has been behaving in an extremely partisan and a biased manner. And I say this with utmost regret. During the election campaign, announced the extension of the PM Garib Ann Kalyan Yojana. Now, this ipso facto clearly constitutes a violation of the model code of conduct. The election commission is absolutely, or the role of the election commission is conspicuous by its absence. You see the systematic persecution and the systematic hounding of leaders in the opposition by institutions, and unfortunately the election commission is in the forefront of that persecution. Rahul Gandhi ji is a very strong leader, he's a very honest leader, so I am very very confident that even if he's got a notice from the election commission, I'm very confident and I have full faith in Rahul ji that he will give a very dignified and honest answer. You said Rahul Gandhi is a fighter. Of course, Rahul Gandhi is a fighter. I have seen him fight. The way
The BJP at many times has been extraordinarily condescending to him, but he's never buckled down to him. One thing I'll tell you about Rahul Gandhi as a character, he's fearless, and he can afford to be fearless because he's honest. He's not a corrupt man. देखिए जितनी ओछी राजनीति पे कांग्रेस उतर आई है ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो 44 सीट पे पहुंच गए हैं। जनता ने उनके सारे भ्रष्टाचार, परिवारवाद, झूठे आरोप प्रत्यारोप इन सबको पूरी तरह से नकार दिया, फिर भी नहीं समझ रहे। और आज उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है, जिस तरह से भारत के गौरव को पूरे विश्व में पहुंचाया, स्थापित किया है, और जनता आज 140 करोड़ की जनता भारत की उनके पीछे उनके साथ खड़ी है, उसके बाद इस तरह की ओछी टिप्पणी उनको ले डूबेगी, मुझे तो इतना ही कहना है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का बयान घोर निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी उस बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक रूप से साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी की चेतावनी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।